एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमको इनको फैक्टराइज करके लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ का फर्स्ट वाला कर रहा है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये क्वेश्चन हमको कुछ ना कुछ किसी फार्मूला के टाइप दिख रहा है। देखो क्या है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c उस फॉर्म में दिख रहा है। इसको उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x² 9y को लिख सकते हैं 3y² 16z² को लिख सकते हैं 4z². अब आपके पास a हो गया है 2x, b हो गया है 3y और c हो गया है 4z। यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन उतार लिया और साथ में 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है x, तो ये x वाली टर्म लिख दी 2x। फिर कितना है y, तो ये y वाली टर्म लिख दी, यानी कि 2 × 2x × 3y। मल्टीप्लाई करके देख लो ऊपर वाली टर्म आ रही क्या, 3 × 2 = 6, 6 × 12 = 12। फिर माइनस है तो माइनस और साथ में 2 लगा दिया। फिर क्या है वाई, तो वाई कितना है यहाँ पर 3y। फिर जेड कितना है 4z, मल्टीप्लाई करा के देख लो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ये 24y। फिर माइनस है तो माइनस उतार लिया साथ में 2। फिर कितना है एक्स, तो एक्स की टर्म उतार ली 2x। फिर कितना जेड, जेड उतार लिया 4z, 4 × 8, 8 × 16। अब ये पूरा एक फॉर्मूले की टर्म में चेंज हो गया है कि ए बी सी इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन लगाना है। अब साइन कैसे लगाते हैं, अब देखिए एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। तो एक्स और वाई का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन। फिर उसके बाद वाई और जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो काई का साइन है, माइनस का। तो ये लगा दिया माइनस। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि जब हम एक्स और जेड का मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। इसी का सेकेंड वाला 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz, √2x² + y² + 2√2z² यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे x है तो x के साथ कितना है √2x, फिर y, फिर प्लस 2y इंटू y है तो y सिंगल y प्लस z है तो z के साथ कितना है 2√2z लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस 2, एक्स है तो एक्स के साथ √2x, फिर जेड है तो 2√2z। एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा, माइनस। वाई जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस। अब यहाँ पे हम माइनस प्लस लगाते हैं तो ये माइनस का है, प्लस का है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। चेक करने के लिए देखें, जब एक्स और जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ रहा है क्या, हाँ। तो इसको हम दो बार लिखते हैं, √2x - y - 2√2z, √2x - y - 2√2z। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को हमको एक्सपांड करके लिखना है, 2x + 1³। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b³³। a + b³ होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह 2x और b, a की जगह कितना है 2x है, b की जगह कितना है 1। तो यहाँ रख दिया a की जगह 2x, b की जगह 1, a + b³। फिर a का क्यूब यानी कि 2x³ प्लस b का क्यूब यानी कि 1³ प्लस 3a² (2x² × 1) प्लस 3 × 2x × 1² a + b³, 2³ होता है 8x³ + 1, 2² = 4, 4 × 12 = x², 3 × 2 = 6, 6x, 8x³ + 12x² + 6x + 1, इसको साइड में लिख दिया, ये आपका एक्सपांड हो गया। सेकेंड 2a - 3b³। यहाँ पे a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला,
ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए की जगह हम लिखें टू ए, बी की जगह थ्री बी, तो ये हो गया टू ए माइनस थ्री बी का होल क्यूब। ये हो गया ए का क्यूब यानी कि टू ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी थ्री बी का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। ए की जगह है आपका टू ए और बी की जगह थ्री बी और फिर है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, टू का क्यूब होता है एट और ए का क्यूब ए क्यूब, एट ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, ये हो गया थ्री थ्री नाइन, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स ए स्क्वायर ए बी और थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थे ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन टू जो फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर। ये आप एक्सपांड टू ए माइनस थ्री बी का होल क्यूब, एट ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस थर्टी सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस फिफ्टी फोर ए बी स्क्वायर।